और मेरे प्यारे मित्रों तथा प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका रुठैया क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? अच्छा करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन या निश्चित अनुपात का नियम, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि किसी तरह से पदार्थ का जो निर्माण होता है या अणु अणु और परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसी के ही उपलक्ष्य में ये जो है थ्योरी आपको बताई गई थी कि किस तरह से किसी पदार्थ में पदार्थ का जो है सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं, और एक से अधिक जब परमाणु मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, अणु हो जाता है। इसी में जो है एक थ्योरी जो बनाई गई थी, मतलब आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट या जिसको हम जो है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कहते हैं, जो लवाइजन ने प्रपोज किया था, ठीक है। तो उस थियरी के अकॉर्डिंग बताया गया कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसी अब इन्हीं दोनों नियमों के आधार पे एक अलग से नियम, इन दोनों को कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों के साथ में इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अलग नियम बनाया गया, और जिसे हम जो है डाल्टन थियरी के नाम से जानते हैं। और इस थ्योरी को जो है जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था, लगभग 1808 ईस्वी में इस थ्योरी को बताया था, जिसके आधार पे और इनकी जो थ्योरी थी, इनकी थ्योरी जो है पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड थी, ठीक है। यानी जो फर्स्ट लॉ था आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि कोई भी एलिमेंट्स है उनके जो है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी किसी भी पदार्थ का जो तत्व है या परमाणु है उनको ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये था। उसके बाद दूसरे वाले में ये था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं जब बनते हैं कहीं से भी हम उनको लेते हैं, उनके बीच का जो अनुपात होता है वो हमेशा इक्वल होता है, समान होता है। जैसे आपका जो है जल, जल में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताया गया था कि हाइड्रोजन का अनुपात 1 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात 8 होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब बात, अब इन दोनों के नियमों को मिला के डाल्टन ने भाई कहा कि चलो ठीक है, कोई भी आइटम्स है, कोई भी पदार्थ है, किस तरह से वो बनते हैं और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, उसके आधार पर उन्होंने थ्योरी प्रपोज की, और जिसे क्यों जो है डाल्टन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं डाल्टन थ्योरी क्या है और क्या होता है इसके अंतर्गत, ठीक। अगर अकॉर्डिंग टू हम डाल्टन थ्योरी देखें तो क्या कहा जाता है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द वेरी टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड आइटम्स, यानी जो भी पदार्थ है सभी पदार्थ जो है बहुत ही छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु, ठीक है, परमाणु या एटम्स या मॉलिक्यूल्स या अणु कहते हैं। ये डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया। अब इन्होंने उसकी जो एटम्स थे उनके कुछ प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन किया कि ये चीजें होती हैं किसी भी एटम में, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि आप पहचान सकते हो कि एटम जो है पदार्थ का कण है या सूक्ष्मतम कण जिसको हम एटम कहते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या लक्षण हैं जिसके आधार पर हो गया यही जो है आपका एटम सतह, ठीक है। तो देखिए पहला जो कैरेक्टर है, इन्होंने बताया कि डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया कि कोई भी जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम एटम सेंटर में लेते हैं, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग बताया कि एटम्स का जो पहला प्रॉपर्टीज है कि ये स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो एटम जो कोई भी एटम जो होता है वो क्या होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण जो होता है उसी को हम एटम कहते हैं, ठीक है। यानी पहला जो लक्षण हो गया सूक्ष्म कण, पदार्थ का सूक्ष्म कण वो क्या होता है हमारा एटम, यानी पहला जो करेक्टर हो गया कि जब भी हम किसी पदार्थ को छोटे छोटे पार्ट्स में करते चले जाते हैं तो लास्ट पार्ट के लिए एक ऐसा आता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलेंगे, एटम कहेंगे, ठीक। तो पहला जो पार्ट हो गया वो सबसे सूक्ष्म होता है। दूसरा है कि जो एटम्स होते हैं कैन नॉट बी डिवाइडेड, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, मतलब पहले प्रॉपर्टी तो होगी कि ये सबसे सूक्ष्म होते हैं, दूसरा ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी जो एटम्स होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप उसको दोबारा फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उनको और भी छोटा आप नहीं तोड़ सकते। ये दूसरा कैरेक्टर है कि कोई भी एटम्स सूक्ष्म तो होता ही है, पहला हो गया। दूसरा ये कि जब सूक्ष्म होता है तो फिर हम उसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, या जो आपकी अणु है उसको हम दोबारा तोड़ नहीं सकते या विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद तीसरे जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी
इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स आर वेरियस टाइप एलिमेंट्स, ठीक है, एटम्स की अगर मतलब एटम्स की बात कीजिए तो ये वेरियस टाइप डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, बहुत कई प्रकार के होते हैं एटम्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग पीरियाडिक टेबल्स में जितने भी हमारे तत्व हैं एलिमेंट्स, ठीक है, उनको बताया गया कि एलिमेंट्स में हमारे जो स्टार्टिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, ये सब तत्वों की जो बात होती है तो वो क्या बताया कि इनके अकॉर्डिंग बताया कि जो भी जितने भी हमारे तत्व हैं वो क्या है, एक प्रकार से एटम्स के ही पार्ट है और ये डिफरेंट काइंड्स या डिफरेंट प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हो जाएगी वो एटम की, ये कई सारे कई प्रकार के होते हैं जिसको हम एलिमेंट्स या तत्व भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, थर्ड हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये बताया गया कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये फर्स्ट, क्योंकि ये इनका जो डाल्टन्स थ्योरी है मोस्टली जो है बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे ही आधारित है। तो इन्होंने भी लगभग उन्हीं पे जो पहला नियम था उसी पे सहमति जताई कि हाँ ऐसा होता है कि कोई भी पदार्थ है हम उसको जब तोड़ते चले जाते हैं तो सबसे जो सूक्ष्म पार्ट होता है वही क्या होता है, हमारा एटम होता है। तो इन्होंने भी बताया कि जो एटम्स होते हैं उनको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक, यानी कि ये आप लास्ट में भी जब ऊर्जा में भी देखते हैं तो ऐसा होता है। तो एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कोई भी जो एटम है उसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ना बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया चौथा। पांचवा कि जो भी एटम्स होते हैं इनमें एक क्षमता होती है डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स है उनको अगर आप मिक्स करते हो, जैसे अभी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस में भी बताया गया था, अभी पिछले वाले वीडियो में भी देखा बताया गया आपको कि जब भी हमारे दो एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स अभिक्रिया जो करते हैं वो आपस में जुड़ के या संयोजन के द्वारा एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसमें देखा गया कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मास रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, जो भी हमारा उत्प्रेरक या जो भी क्या बोलते हैं अभिकारक जो भी है अभिकारक और जो प्रोडक्ट उन दोनों का जो द्रव्यमान होता है हमेशा बराबर होता है, ठीक है, और ये एक समान रेशियो में मिलके जितने भी एलिमेंट्स अगर आप उसका रेशियो बदल दोगे उनका अनुपात आप बदल दोगे फिर मिला दो दूसरे वाले के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ तो एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, यानी एक नया यौगिक बना लेते हैं। तो कोई भी जो एलिमेंट्स है जो ठीक है जितने भी एटम्स है उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो कभी भी किसी एक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, यानी फिफ्थ करेक्टर जो हो गया इनका डाल्टन के अकॉर्डिंग कि कोई भी जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं एक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, उनमें क्षमता होती है यौगिक के निर्माण करने की। यौगिक बनाने की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है, आर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल मास, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और इनका जो शेप होता है, ठीक है, मास एम फॉर मास एस फॉर शेप और सीपी का मतलब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स में अगर एटम्स के बेस पे देखा जाए, ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाँ अगर एक टाइप के एलिमेंट्स दिया जाए एक ग्रुप के दिए जाए एलिमेंट्स या दिए गए जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो मास होता है और उनका जो शेप होता है और रासायनिक जो गुण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं, ठीक है, यानी उनके बीच का जो रासायनिक गुण है और उनका जो आकार है और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है हमेशा सेम होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इनका सातवां, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर डिफरेंट टाइप्स के तत्व हैं, ठीक है, जो अगर अलग अलग एक ग्रुप में आप देखते हो तो एक ग्रुप का जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी शेप साइज कलर जो है वो एक जैसा हो सकता है, लेकिन जब डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं विभिन्न प्रकार के जब तत्व होते हैं तो उनके अंदर का जो करेक्टर होता है उनके रासायनिक करेक्टर मतलब रासायनिक लक्षण और उनकी साइज और उनका आकार वो
एकदम अलग होता है, ठीक है। तो ये था आपका डाल्टन थ्योरी या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हम, और ये जो थ्योरी है यूनिवर्सलाइज्ड है, सौरमान वही माना गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, दोनों नियमों को मिला के उन्हीं की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, जिसे हम डाल्टन थ्योरी कहते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी या डाल्टन थ्योरी ने क्या बताया, तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द वेरी टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जुड़े रहिए रुठैया क्लासेस के साथ। धन्यवाद।